नमस्ते जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और आज हम अपने कल के एपिसोड को बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे गुरु प्रधान जातक के विषय में। जैसा कि कल के एपिसोड में आपने देखा कि जिनकी डीओ भी नहीं है या जिन्हें मालूम नहीं है अपने जन्म तिथि वगैरह, वे लोग कैसे पता कर सकते हैं कि वे लोग किस ग्रह से संबंधित है और उनका प्रधान ग्रह कौन सा है। उसके लिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में सब कुछ बताया है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि सर जी, ऐसा है कि जो निशान आपने बताया वो निशान मेरे कई माउंट्स पर हैं। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि वैसे निशान आपको कई माउंट्स पर दिखते हैं लेकिन वे होते नहीं हैं। जैसे आप जाओगे ना मार्केट में, तो आप अगर लोगे संतरे ले लोगे और एक किनू होता है, ठीक है, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन एक होते नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है कि हर एक जगह पे आपको वैसे कुछ दिखेंगे लेकिन जो सबसे ज़्यादा आभायुक्त, सबसे ज़्यादा निर्दोष और सबसे ज़्यादा अच्छी अवस्था में जो हो, जिसमें कहीं भी किसी भी जो उसकी अंदर की महीन रेखाएं हैं वे कहीं से टूट के एक दूसरे से उलझी हुई ना हो, वैसी निर्दोष अवस्था जब जिस ग्रह के मध्य में उपस्थित हो तो वे उस जातक के प्रधान ग्रह हो जाते हैं। अब मान लो कि वैसी भी स्थितियां, मान लो वैसी भी स्थिति, अगर शुद्ध स्थिति भी आपके एक से लेकर दो पर उपस्थित हो तो उसमें क्या होगा। तो वैसे में क्या होता है कि जातक के, जातक जो कर्म कर रहे हैं, मतलब जातक के जो वर्तमान कर्म है उसके अनुसार जातक पर दूसरे ग्रह की छाया चल रही है। जैसे कि आप मान लो कि हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, तो उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ लेकिन उनका लालन पालन हमेशा से यदुवंश में हुआ, तो वे हमेशा यदुवंशी कहलाए। लेकिन जब वो यदुवंश से वापस क्षत्रिय संस्कृति में गए, वंश में गए, तो फिर से उनका वही, उन्होंने युद्ध कला और वही जौहर दिखाया, मतलब वे जिस कुल के थे, जिस वंश के थे, उसका असर हर एक व्यक्ति पर रहता है, उन पर भी था, उन्होंने वहाँ भी वो रूप दिखाया। और जब तक वहाँ थे यदुवंश में, तब तक यहाँ के जो संस्कार थे वो भी उनमें बहुत कूट कूट कर भरे हुए थे, लेकिन जब वो वापस गए तो वहाँ वाले संस्कार आने में उन्हें समय नहीं लगा। तो उसी तरीके से हर एक व्यक्ति निश्चित रूप से मात्र एक ग्रह से संबंधित होते हैं, लेकिन अपने स्वभाववश और अपने खासकर जो आप कहें तो कर्मवश जो उनकी स्थितियां होती हैं, कभी कभी उसकी छाया और आभा आपको दूसरे ग्रह पर दिखाई दे सकती है, लेकिन वो एक निश्चित और सीमित समय के लिए होती है, उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो मुख्य, जिस ग्रह से आप जुड़े होते हैं उस पर वे स्थायी चिन्ह होते हैं और हमेशा के लिए उस पर वे लागू होते हैं। तो इसे बहुत ही महीनता से देखना पड़ता है, चूँकि आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं तो आप लोग उस महीनता से देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर लग जाता है कि हाँ उसी तरह का है तो भाई मेरे तो है, तो ऐसा नहीं है। अगर उतना ही रहता, उतनी ही जानकारी रहती तो फिर एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसे गहनता से, उसे अच्छे से विचार करके उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ बात है, क्योंकि जो जिस मामले के विशेषज्ञ हैं वे बेहतर तरीके से आपको उसके बारे में बता पाते हैं। जैसे आप भी अपने जीवन में कुछ खास कार्य कर रहे होंगे, कर्म कर रहे होंगे, तो उसमें आपका जो अनुभव होगा औरों से अलग होगा, हमसे ज़्यादा होगा। जो आप काम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको हमसे ज़्यादा होगा, तो मैं वहाँ पे आपसे समझूंगा। उसी तरीके से जहाँ आप जा रहे हो वहाँ अगर कुछ नहीं जानते हो तो बहुत ही अच्छा करते हो कि क्वेश्चन रेज करते हो। हमेशा क्वेश्चन तो मस्ट पूछा ही पूछा करो, क्योंकि जब तक मन में शंका रहेगी ना तब तक कुछ भी नहीं जान पाओगे। और एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे अच्छा वही होता है कि आप दूसरों की शंका समाधान कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो उसी तरीके से मैं आपका शंका समाधान हमेशा से करते आया हूँ, आगे भी करूँगा। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर आप गुरु प्रधान जातक है, मतलब आपकी चंद्रवल जैसी आकृति अगर यहाँ पे बन रही है, तो ऐसी अवस्था में इन लोगों के लिए क्या एडवांटेज है और इन लोगों के लिए क्या निगेटिव है, ठीक है, ऐसी स्थितियाँ बने तो क्या निगेटिव है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके गुरु पर्वत पर ऐसी स्थितियाँ बन जाए, आप गुरु प्रधान अगर जातक आप हैं, तो ऐसी स्थितियाँ में गुरु प्रधान जातक के लिए सबसे बड़ा होता है उनके अपने संस्कार। वे लोग बहुत ही गंभीर, बहुत ही संस्कारवान, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही अच्छी संगति रखने वाले, बहुत ही उत्तम विचारों के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग आपको इधर उधर और छोटी मोटी जगहों पे नहीं मिलेंगे। जो भी इस ग्रह से संबंधित हैं और जिनका भी प्रधान ग्रह आपको गुरु पर्वत है, वैसे लोग बहुत ही आत्मधनी लोग होते हैं। वे लोग अगर बहुत छोटी जगह पे, मान लो कि बचपन में चले गए या जन्म हो गया,
तो वे बहुत जल्दी उस जगह को भी स्वर्ग बना देंगे, ऐसी उनमें ललक होती है और ऐसी उनमें इच्छा शक्ति होती है। बहुत ही आत्मधन के बहुत ही बली लोग होते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दी इन्हें विकास करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता। किसी भी परिस्थिति से निकले हो, ये वास्तविक परिस्थिति में जाएंगे ही। मान लो कि आप पानी को आप कितना भी गर्म कर दो, ठीक है ना, 2 दिन 10 दिन 20 दिन तक लगातार उसे आप चूल्हे पे बिठा के रखो, फिर भी उतार के रखोगे ना 15 मिनट के बाद वो ठंडा हो ही जाएगा। उसकी प्रकृति है, वो ठंडा ही रहेगा। आप उसको कितना भी गर्म कर दो, 10 मिनट के बाद वो ठंडा हो जाएगा। उसी तरह गुरु पर्वत के जो जातक हैं, इनको कितना भी आप गलत से गलत जगह पर रख दो, वहाँ भी इनकी आभा अलग ही रहेगी, है ना। मतलब कैसे भी गए से गए गुजरे लोग हो, कुछ भी हो, इनको फटे से फटे कपड़े पहना दो, कुछ भी पहना दो, लेकिन फिर भी कोई देखेगा तो कहेगा ये औरों से अलग है, ठीक है ना। तो मतलब वो आपको बगुलों के झुंड में हंस के जैसी उनकी स्थिति होती है, नज़र आ ही जाते हैं कि ये अलग है थोड़ा। तो इनमें ये सब एडवांटेज होते हैं। ये लोग काफ़ी गंभीर होते हैं, ये लोग राजनीति में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, बहुत बड़े बिजनेस में, यहाँ तक कि मंदिर में वगैरह में मठाधीश और बड़े बड़े निपुण विद्वान वगैरह ये लोग हुए हैं और होते हैं। बहुत ही आत्मज्ञानी होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले। इसके अलावा इन लोगों में जो और खूबियाँ होती है, बहुत ही न्याय के प्रति बहुत ही चिंतित, हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बर्ताव करना और उनका ईमानदारीपूर्ण जीवन हो इसके लिए प्रयत्न करना इन लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होता है। किसी के साथ बेईमानी हो पाए, ये हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। और निगेटिव क्या होता है, अगर ये धूर्तता पे उतर आए तो फिर ऐसी बैंड बजाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन ऐसे लोग, ऐसी स्थितियाँ इनके साथ कम आती है, ऐसा ये लोग कम करते हैं। तो अगर ऐसा अगर कोई ऐसा करे तो निश्चित रूप से समाज के लिए घातक हो जाता है। जैसे आप सुनते हो कभी कभी कि इतना करोड़ों का अरबों का फ्रॉड हो गया, निश्चित रूप से गुरु प्रधान होते हैं लेकिन वे अगर उसका फायदा उल्टा उठाने लगते हैं, अगर उसका मिसयूज करते हैं तो वे समाज के लिए घातक साबित हो जाते हैं। अब इन लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए, नियम मतलब निश्चित रूप से जो शास्त्रोक्त नियम है उसके अनुसार इन लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए। इन लोगों को झूठ, बेईमानी और दूसरे के खिलाफ कुछ भी गलत करने से बिल्कुल बचना चाहिए, नहीं तो इनका किया हुआ इनकी पीढ़ियां उठाती है, ठीक है। इनका किया हुआ जो इनकी गलतियां हैं, पीढ़ियां तक उसकी भरपाई करने में पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो इन लोगों को किसी भी गलत कर्म से निश्चित रूप से बचना चाहिए और हमेशा दान धर्म पुण्य, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई वगैरह, भूखे को भोजन कराना, इन सब कामों में इन्हें पूरा समय देना चाहिए। जितना करेंगे उतना ज़्यादा ये सुखी रहेंगे। इनको सुख और शांति बस दो ही चीज़ों से मिलेगी, जितना दूसरों की भलाई करें उसी से इन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। भलाई से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इन लोगों में और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी जगहों पे आपको इससे संबंधित जातक मिल जाएंगे। खेल में, राजनीति में, व्यवसाय में, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में, हर जगह आपको गुरु प्रधान जातक मिल जाएंगे और उनके चेहरे को देख के आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, सामने वाला कोई गुरु प्रधान जातक है, ठीक है। इनमें बहुत सारी खूबियाँ होती है, लेकिन वहीं पर कुछ फ्रॉड भी मिल जा सकते हैं आपको, ऐसे ऐसे जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना कुख्यात होकर उन्होंने नाम कमाया है, वे भी गुरु प्रधान जातक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इनका जीवन काफ़ी अच्छा, सुदृढ़ और स्थितियाँ काफ़ी पक्ष में होती है। इन लोगों पर भगवान की असीम कृपा होती है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, उसमें बात करेंगे शनि पर्वत को लेकर। मिलते हैं फिर।